आज जो महागठबंधन के गठनेता को शानी हिंद निहाल अहमद साहिबा को जो महापुर साहिबा ने गठनेता का लेटर दिया, असल में कानून ऐसा कहता है कि जो बड़ी पार्टी होती है और उसका जो गठनेता है वही हाउस का पोजिशन लीडर होता है, लेकिन अगर अतीक कमाल को अगर बनाया गया था तो ऐसा है कि इसके पहले महागठबंधन ने जब महागठबंधन अमल में आया और कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद में जब मैं महापौर हुआ उस वक्त तो महागठबंधन के गठनेता बुलंद इकबाल साहब ने खुद उनका लेटर दिया था कि कलीम दिलावर साहब को आप हमारी तरफ से अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया जाए, उसलिए उनका डिक्लेयर किया गया था, वो भी कानून से हट के था। और अगर अतीक कमाल साहब को भी बनाया गया तो ये भी उनके महागठबंधन के लोग थे, बाद में इनके आपस में तनाज़ा हुआ और ये अपनी डिमांड रख रहे कि मैं राष्ट्रवादी का हूँ, मेरे साथ में राष्ट्रवादी के इतने लोग हैं, इनकी अपनी एक लड़ाई ये डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ चल रही है। और डिविजनल कमिश्नर तरफ जब इन्होंने बुलंद इकबाल साहब का जब इंतकाल हुआ उसके बाद इन्होंने जो वहाँ पे गठनेता का ठहराव करके वहाँ दाखिल किया तो उसके बाद में इनका गठनेता का उन्होंने जो पत्र दिया है डिविजनल कमिश्नर साहब ने वो शाने हिंद का दिया है, इसलिए आज उनको अपोजिशन लीडर महापौर साहब ने डिक्लेयर की है। ये परंपरा कोई हमने शुरू नहीं की थी, ये परंपरा बुजुर्ग रहनुमा निहाल अहमद साहब जब पहले महापौर हुए थे मालेगांव कॉरपोरेशन में उस वक्त तो इन्होंने भी कानून से हट के एक अपक्ष नगर सेवक को उस वक्त तो टेम्पो के जो बापू रविंद्र बापू को उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया था, तो ये कोई हमने कोई गलत किया था ऐसा नहीं है, जब मैं महापौर था उस वक्त मैं गलत किया था ऐसा नहीं है, ये असल में एक आपस के अंदर तालमेल के हिसाब से उन्होंने भी उस वक्त किया होगा, इन्होंने इनका तालमेल था, इन्होंने जब उस वक्त कलीम दिलावर साहब का लेटर दिया था तो हमने उनको डिक्लेयर किया था। आज इसके पहले जब अतीक कमाल साहब को अगर हमने अपोजिशन लीडर बनाया तो ये परंपरा न्यायालय में साहब ने शुरू करी थी, लेकिन क्योंकि कानून की जो बात होती है तो कानून से आज इनको हमने जो बड़ी पार्टी के गठनेता होता है वही अपोजिशन लीडर होगा, मैं समझता हूँ आगे से इसी तरीके से अब कानून से हट के कोई काम नहीं करेगा, और इसीलिए हमने इनको अपोजिशन लीडर आज के महापौर साहब ने दिया है, तो कानून की बात थी इसलिए दिया, ना इसमें कोई जीता ना कोई हारा, सिर्फ वो इतना है कानून ने अपना काम करा।